हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बर्फ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राइड राइस, बहुत ही आसान तरीके से। इस रेसिपी में ना ही मैंने चिकन को बॉईल किया है और ना ही डीप फ्राई, फिर भी ये चिकन बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, छोटे टुकड़े में काटा है इसे मैंने। थोड़ा सा इसमें नींबू का रस मिलाएंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, चिकन के हिसाब से नमक डालिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून चिकन मसाला डाल देंगे, कोई भी कंपनी का चिकन मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा दही, 1 टेबल स्पून दही मैंने ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट हम इसे मैरिनेट करने छोड़ देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम फ्राइड राइस का राइस तैयार करेंगे। पतीले में मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी लिया है, इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा शहजीरा, तेज़पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला हम डालेंगे इसमें, तो इलायची, लौंग, गोल मिर्च और दालचीनी मैंने डाला है यहाँ। 1 चम्मच थोड़ा सा तेल हम डाल देंगे, रिफाइन ऑयल मैंने यूज़ किया है। बहुत ही फ्लेवरफुल राइस इससे तैयार होगा। अब जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम 1 कप राइस डालेंगे। राइस मैंने अच्छे से धो लिया था। 1 कप राइस 2 से 3 लोगों के लिए सफिशियंट होता है। थोड़ा सा हम चला लेंगे, बीच बीच में हमें चलाते रहना है इसे। ध्यान रखिएगा, राइस हमें बहुत संभल के पकाना है, थोड़ी भी देरी होगी तो राइस गीला हो जाएगा। ओवर कुक्ड राइस से अच्छा नहीं बनेगा फ्राइड राइस, इसीलिए अगर आपको लगे 90% ये कुक हो गया, उसी समय गैस ऑफ कर दे। मुझे लग रहा है ये 90% कुक हो गया है। एक हम तोड़ के देखेंगे इसे, ये देखिए, आप देख सकते हैं, हाँ ये हो गया है। तो अब जल्दी से गैस ऑफ करके हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हमने जो भी इसमें खड़ा गरम मसाला डाला था वो निकाल देंगे, क्योंकि फ्राइड राइस में ये मसाले अच्छे नहीं लगते, पर ये मसाले डालकर हम अपने राइस को और भी फ्लेवरफुल बना सकते हैं, इसलिए मैंने डाला है। आप अगर वेज फ्राइड राइस बना रहे हैं या एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो भी आप राइस को इसी तरह बनाएंगे तो बहुत टेस्टी रहेगा। अब हम चिकन को पकाएंगे, तो मैंने यहाँ पर तेल लिया है, इसमें हम चिकन डाल देंगे। दही में मैरिनेट किया हमने चिकन को, इसलिए चिकन बहुत सॉफ्ट तैयार होगा। अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद हमें इसे ढककर पकाना है। जब तक चिकन ना पक जाए तब तक हमें इसे ढककर पकाना है। चिकन अगर आप बॉईल करके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता, और अगर डीप फ्राई कर रहे हैं तो तेल बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ये 2 अंडे मैं ले रही हूँ फ्राइड राइस में मिक्स करने के लिए। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते। अब अंडे के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मीनवाइल हम चिकन भी देख लेंगे कि चिकन रेडी हुआ कि नहीं। ढकने के कारण काफ़ी पानी अलग हुआ है चिकन से, अब ये जब सूख जाएगा तब हमारा चिकन रेडी होगा। कुछ देर और ढक के पका लेंगे। 8 से 10 मिनट लगेगा चिकन पकने में। तो यहाँ पे ये चिकन का पानी बिल्कुल सूख गया है और चिकन भी रेडी हो गया है। एक पीस को हम तोड़ के देखेंगे, हाँ ये ईजिली टूट जा रहा है, यानी ये पक गया है, इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडा पकाने के लिए भी। थोड़ा सा तेल लेंगे यहाँ पे और इसमें ये अंडे का घोल डाल देंगे। चिकन फ्राइड राइस के बदले अगर आप एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, चिकन बस स्किप कर देना है। तो इसे अच्छे से चलाते रहेंगे हम लगातार। आपको कौन सा फ्राइड राइस पसंद है, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस या वेज फ्राइड राइस, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक तैयार है, अब इसे हटा लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ज़रूरत के हिसाब से तेल डालेंगे, करीब 1 टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे। कुछ सब्जियाँ भी मैं मिक्स कर रही हूँ इस फ्राइड राइस में, तो यहाँ पे गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च है, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद सारी सब्जियों को डाल देंगे। कुछ सब्जियाँ डालने से चिकन फ्राइड राइस और भी हेल्दी और टेस्टी रहेगा। तेज़ आँच में ही 2 मिनट इसे चलाएँगे हम। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट काफ़ी है इसके लिए। अब इसमें हम सब्ज़ी के हिसाब से ही नमक डालेंगे, एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये सब्ज़ी तैयार है। अब इसमें राइस हम मिक्स करेंगे। राइस को पकाने के बाद हमें इसे खुला ही रखना है, ढकने से ये ओवर कुक भी हो सकता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च इसमें डालेंगे, और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून विनीगर डाला है सिरका। नमक मैं इस चावल में नहीं मिलाई हूँ कि मैंने पकाते वक्त ऑलरेडी नमक डाला था। अगर आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें चिकन और ये अंडा हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा ये चिकन फ्राइड राइस रेडी है। आप भी इस चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रहेगा ये। अब गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे।
सर्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस डालेंगे। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी फ्राइड राइस कैसी बनी, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।